भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती है। चलिए जानते हैं 6 जुलाई की प्रमुख घटनाएं। 6 जुलाई 1834 रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एक भारतीय इतिहासकार, समाज सुधारक और शिक्षाविद। प्राचीन संस्कृत साहित्य के विद्वान के रूप में उन्होंने संस्कृत पर पहली पुस्तक भी लिखी थी। उनका जन्म इसी दिन हुआ था। 6 जुलाई 1885 लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया। 6 जुलाई 1901 श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और विचारक होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 6 जुलाई 1905 लक्ष्मीबाई केलकर भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थी। लोग उन्हें आदर से मौसी जी कहकर बुलाते थे। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नामक एक संगठन की स्थापना की। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 6 जुलाई 1923 सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। 6 जुलाई 1935 14वें दलाई लामा, जिन्हें तिब्बती लोग ग्यालवा रिनपोचे के नाम से जानते हैं, वे सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और तिब्बत राज्य के पूर्व प्रमुख है। उनका जन्म इसी दिन हुआ था। 6 जुलाई 1936 इंग्लैंड में मैनचेस्टर, बोल्टन और बरी नहर में एक बड़े उल्लंघन के कारण लाखों गैलन पानी 200 फीट दूर इरवेल नदी में गिर गया। 6 जुलाई 1940 स्टोरी ब्रिज ब्रिस्बेन में एक प्रमुख मील का पत्थर, साथ ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा ब्रैकेट ब्रिज औपचारिक रूप से खोला गया। 6 जुलाई 1947 यश भारती से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू शायर अनवर जलालपुरी, उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता का उर्दू कविता में अनुवाद किया। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन AK-47 का उत्पादन सोवियत संघ में शुरू हुआ। 6 जुलाई 1957 एलिथिया गिब्सन ने विंबलडन चैंपियनशिप जीती और ऐसा करने वाली पहली अश्वेत एथलीट बन गई। 6 जुलाई 1961 मोजाम्बिक के पास एक पुर्तगाली जहाज पर हुए विस्फोट में 300 लोगों की मौत हो गई। 6 जुलाई 1985 रणवीर सिंह एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 6 जुलाई 1986 आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष जगजीवन राम, जिन्हें आदर पूर्वक बाबूजी कहा जाता था, का आज ही के दिन निधन हुआ था। 6 जुलाई 1988 उत्तरी सागर में पाइपर अल्फा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म विस्फोटों और आग से नष्ट हो गया। 167 तेल कर्मचारी मारे गए, जिससे ये जीवन की प्रत्यक्ष हानि के मामले में दुनिया की सबसे खराब अपतटीय तेल आपदा बन गई। 6 जुलाई 1990 इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की स्थापना की गई। 6 जुलाई 1996 डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 1288 में पेंसाकोला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान टर्बाइन इंजन में खराबी आ गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 147 लोगों में से 5 घायल हो गए। 6 जुलाई 1997 चेतन आनंद एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। बॉलीवुड फिल्मों को पहली बार इस स्तर पर लाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 6 जुलाई 2002 धीरज लाल हीराचंद अंबानी एक भारतीय उद्योगपति थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। और आज ही के दिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की हत्या कर दी गई थी। 6 जुलाई 2005 मेक्सिको में 40,000 साल पुरानी मानव पैरों के निशान पाए गए। 6 जुलाई 2006 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से बंद नाथुला दर्रे को 44 साल बाद खोला गया। यहीं से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। 6 जुलाई 2013 नाइजीरिया के योबे राज्य के एक स्कूल में गोलीबारी में कम से कम 42 लोग मारे गए। 6 जुलाई 2014 इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर हमले में हमास के 7 सदस्यों को मार गिराया। 6 जुलाई 2022 जॉर्जिया गाइडस्टोन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्मारक एक बमबारी में क्षतिग्रस्त हो गया और बाद में उसे दिन नष्ट कर दिया गया। लोगों के बीच समस्या के बारे में जागरूकता लाने और उन्हें सही कार्यवाही करने के लिए सिखाने के लिए 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।